डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमुकी पॉइंट। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो तक चैप्टर नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई थी। टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने वीडियोज बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसी तरह से आज के इस वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है या चैप्टर नेम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, आखिर अगर आप मान लो कि आप एग्जाम के टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको मान लो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो इन सातों टॉपिक में से कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपका हर एक चैप्टर का सिलेबस ओवरव्यू करता हूं, ताकि आप लोगों को अपने टाइम के अनुसार डिसाइड कर पाओ कि मुझे सबसे पहले कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला सब टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग जानेंगे कि आखिर मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ इसके दो टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एक जो मोटर डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करता है, उसके ऊपर जो प्रभाव डालता है, वो कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज गाइडलाइंस एंड डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग को जान रहे हो कि कोई एक जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी एबिलिटी पर डिपेंड होती है, और आप लोग जान रहे हो कि हर एक एजेस के लिए अलग अलग एबिलिटी होती है। उसके एबिलिटी के अनुसार जो एक्सरसाइजेस बनाई गई है, उसकी गाइडलाइंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर दो बेसिक डिफरेंस समझेंगे, आखिर ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रोथ को डेवलपमेंट से कोरिलेट कर देते हैं, लेकिन ये दोनों जो टर्म है बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो हम लोग इस चीजों को समझने भी वाले हैं। तीसरा कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज में हम लोग पढ़ेंगे नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, कैफोसिस, स्कोलियोसिस एंड बोलेक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को अगर इस समझ रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इस चैप्टर को स्किप करनी है, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, एकदम मान लो कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर आपका चौथा है करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। मान लो कि अगर ये किसी भी लोगों को इस तरह के डिफॉर्मिटीज होती है, जैसे कि नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बोलेक्स एंड स्कोलियोसिस, तो उसके लिए कौन कौन से मेजर्स है जो सारी चीजों को ठीक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज उसके अनुरूप रही या उस तरह से कुछ आप एक्सरसाइजेज करते हो, तो ये आपके ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है पांचवा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो अब लोग वो लोग भी सशक्त हो रही है, तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर महिलाओं का भारत में गेमों में क्या उनकी पार्टिसिपेशन है, वो कितनी दूर तक आगे बढ़ गई, या आने वाले दिनों में हम लोग फ्यूचर में क्या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या होने वाला है गेम्स में। ठीक है, छठा स्पेशल कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मेनार्के के बारे में, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन के बारे में। ठीक है, ये आप लोग बहुत ही आसान अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ढेर सारे हम लोग जो गर्ल्स की प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीजों के बारे में बात भी करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, सातवां फीमेल एथलीट राइड, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को आप लोग पढ़ ही लेना, इन दोनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका कन्फर्म टॉपिक है, और जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उनका जो क्वेश्चन सेटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, मेन उनका जो फोकस होता है इन्हीं दो टॉपिक पे होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो फीमेल एथलीट ट्रायड में पढ़ेंगे, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी बोन की एक प्रॉब्लम होती है जो जनरली महिलाओं को होता है। उसके बाद एमोनोरिया पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्टली में हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर में जो हम लोग एनोरेक्सिया, बुलिमिया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, लेकिन पढ़ने में बहुत ही आसान है, आसानी से समझ भी जाओगे आप लोग। ठीक है, तो बस इतना ही था इस टॉपिक का ओवर सिलेबस ओवरव्यू। आप लोग इस दो टॉपिक को स्किप मत करना, इस दो टॉपिक को पढ़ के जाना ही जाना, क्योंकि एग्जाम में इस दो टॉपिक से क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक से आने वाले वीडियोज में।